तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आई नॉलेज पे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने इंटरनेट की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। और एक्चुअली आप बढ़ा सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको चेंज करना है अपने डीएनएस सर्वर को। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ये डीएनएस सर्वर होता क्या है। डीएनएस सर्वर जो आईपी एड्रेस रहते हैं वेबसाइट के, उसको सॉल्व करता है। मान लीजिए आप खोल रहे हैं google.com, तो उसका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है। तो जो हम लोग क्या लिखते हैं, google.com, और जो हमारा डीएनएस सर्वर वो काम करता है google.com को उसका जो आईपी एड्रेस है उससे जोड़ता है। और क्यों जोड़ता है, क्योंकि हम आईपी एड्रेस जो 192.168 ऐसे लिखा रहता है उसको हम लोग को याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम ये google.com लिखेंगे तो हमें जल्दी याद होगा और आसानी होगी हमको। तो डीएनएस सर्वर वही काम करता है, जो हम लिखते हैं google.com उसको जोड़ता है उस आईपी एड्रेस से। मतलब जो हम लिखते हैं, इनपुट करते हैं, उसको रिजॉल्व करता है, हमें वो आईपी एड्रेस पर लेके जाता है और हमारी वेबसाइट ओपन होती है। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि इस ट्रिक से डीएनएस सर्वर चेंज करके हम कैसे इंटरनेट को फास्ट कर सकते हैं। तो इसे इंटरनेट फास्ट करने के लिए हमें डीएनएस सर्वर इस्तेमाल करना है एक प्राइवेट कंपनी का, क्लाउड फ्लेयर नाम है उसका। तो क्लाउड फ्लेयर जो है, ये हमारे जो यूआरएल रहता है उन्हें जल्द से जल्द रिजॉल्व करते हैं। ये सबसे क्विकली डीएनएस सर्वर है जो यूआरएल को रिजॉल्व करते हैं। ये बहुत ही सिक्योर होते हैं, इन्हें मतलब कोई भी जल्दी आसानी से हैक नहीं कर सकता। तो आप इसलिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारे पब्लिक डीएनएस सर्वर रहते हैं, जो हमारे आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर साथ जो डिफॉल्ट में आते हैं, वो डिफॉल्ट रहते हैं, उन्हें कोई भी आसानी से हैक कर सकता है। ये बहुत ज्यादा जो क्लाउड फ्लेयर का डीएनएस सर्वर है बहुत ज्यादा सिक्योर रहता है। तो इसका डीएनएस सर्वर है वो है 1.1.1.1, मतलब 1.1.1.1। जो तो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर है वो 1.0.0.1 है। तो चलिए हम जल्दी से कंप्यूटर में अपने कंप्यूटर स्क्रीन चलते हैं और मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि कैसे अपना ये डीएनएस सर्वर सेटअप कर सकते हैं और अपने इंटरनेट को बहुत ही फास्ट नहीं, कुछ हद तक फास्ट कर सकते हैं। नेटवर्क शेयरिंग में जाना है, फिर चेंज इलेक्ट्रिसिटी, फिर वाईफाई या फिर जो भी लैंडलाइन प्रॉपर्टीज में जाना है, फिर TCP IPv4 में जाना है, फिर यही सेम DNS डाल देना है। और मोबाइल के लिए आपको इस टाइप से करना है, एक आईफोन के लिए और एक एंड्रॉयड के लिए। देख लीजिए कैसे करना है। और मान लीजिए आपको अपने डेट राउटर से अपना DNS सर्वर चेंज करना है और क्लाउड फेयर करना है, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपके जो भी डिवाइस कनेक्ट होंगे वो सारे क्लाउड फेयर से जुड़ जाएंगे।